हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे चार टॉप चार बेस का सिस्टम। बेसिकली दोस्तों चार टॉप चार बेस काफ़ी ज़्यादा हैवी में होने वाले हैं। पीओडीओ के हम यहाँ पे टॉप दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ तो ATI प्रो का बेस दे रहा हूँ। LDE 10 हो जाती है मोस्ट पावरफुल, और आप कह सकते हैं कि सिंगल में सब देने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे पीओडीओ के टॉप हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। चैलेंजर सीरीज के अंदर देने वाला हूँ, कोई 226 वाला मॉडल नहीं, वो काफ़ी हल्के हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये सेटअप पूरा यहाँ पे ट्रक पे लगने वाला है, तो हर एक चीज़ पे ध्यान दिया है। ज़ाफ़ लैब्स का यहाँ पे एम्पलीफायर हो जाता है, एम्पलीफायर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सा हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ज़ाइफ़र लैब्स का हम एम्पलीफायर दे रहे हैं, SLV के यहाँ पे एम्पलीफायर दे रहे हैं, मिक्सर है, क्रॉसओवर है, दोनों सारी चीजें हो जाती हैं। तो मजा बहुत आने वाला आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों इस सेटअप के अंदर मैं आपको दे के आ रहा हूं, तो अभी आप पीछे देख सकते हैं यहां पे ये चार टॉप हो जाते हैं और ये चार सिंगल्स की बेसें हो जाती हैं। और अगेन यहां पे अगर मैं हर एक डिटेल की बात करूं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप के अंदर। तो यहां पे आइए मैं आपको टॉप दिखा देता हूं। टॉप में जो कि हमने स्पीकर्स यूज़ करे हैं वो यहाँ पे POD के चैलेंजर सीरीज़ के C15 600 EL स्पीकर यूज़ करे हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर स्पीकर में ये है कि जैसे कि आपने बाकी मॉडल्स के अंदर देखा कि उसमें V3 मॉडल्स आ गए, चैसी हल्की है उसके अंदर, और मतलब वो चीज़ पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजर सीरीज़ है कंपनी ने कंटिन्यू करा यहाँ पे चैलेंजर सीरीज़ के अंदर, पैकिंग बेसिकली नहीं कर दी है लेकिन स्पीकर वही रखा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, V2 ही स्पीकर इसके अंदर यूज़ मिले गए। तो इसके अंदर जो कि स्पीकर्स हैं वो चैलेंजर सीरीज़ के हो जाते हैं, तो 600+600, और यहाँ पे एक 100 वाट का हमने इसमें HF यूज़ करा है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका अगर मैं कैबिनेट का डिज़ाइन के बारे में, तो कैबिनेट का डिज़ाइन जो है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर को ये सेटअप जो है वो एक पूरे ट्रक पे, यानी जो कि जैसे हम कहते हैं मोबाइल डीजे, वहाँ पे इसको फिट करना था। तो यहाँ पे देख लीजिए चोकोर जो है वो यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे ये हैंडल्स हो जाते हैं ये, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये सेंटेक्स पेंट करा गया, पेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस हमने अपने जो पेंट करते हैं उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे भी देख लीजिए, चौकोर रहती है पूरी बॉडी, तो यहाँ से ये पूरे चौकोर रहेगी। और ये चारों पूरे टॉप देखते हैं पूरा एल पत्ती का भी यहाँ पे काम करा गया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर एक चीज़ पे एल पत्ती यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाते हैं टॉप के, यहाँ पे चार टॉप हैं, तो ये पूरे ऐसे पूरे चारों एक साथ लग जाएंगे, तो एक मतलब पूरा सिस्टम बन जाएगा और टाइट भी बहुत आसानी से होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है वो टॉप रखे गए। हाँ, जो कि मॉडल है या फिर डिज़ाइन है वो XRX ही रखा गया है, क्योंकि अगेन यहाँ पे XRX काफ़ी अच्छा है, मतलब उसका एक जो बनाने का ढंग है या फिर क्वालिटी वो अच्छा निकल के आता है जब यहाँ पे कोई मिस्त्री बनाता है इसको, तो यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान रखा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों हर एक चीज़ पे डिटेलिंग वगैरह, इसके बाद गैस्केट का भी इसके अंदर काम करा गया है, स्पीकर से लेके HF से लेके हर एक चीज पे यहाँ पे गैस्केट का काम करा गया। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे बेस की, तो बेस देख लीजिए आप, यहाँ पे सिंगल है LDE 10 मॉडल की हमने यहाँ पे बेस रखी है। और बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक बारी मैं इसको हटा देता हूँ, बैरो आराम नीचे रख रही है। तो यहाँ पे है ये दोस्तों बेस, और बेस में आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर से ये जो कि इसका ऊपर का कवर है ये निकल जाता है। बाकी हमने यहाँ पे ग्रूव्स दे रखे हैं, ये भी ग्रूव्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी ग्रूव्स दे रखे हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप पिछले बार LDE 10 देखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसमें L बोल्ट जो है वो चेंज करें, साथ ही साथ ये हैंडल्स भी हमने चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने बताया ना, मैं हर एक चीज़ पे इंप्रूवमेंट करता जा रहा हूँ, और कस्टमर को ये ऐसा यहाँ पे अलग से रिक्वायरमेंट था क्योंकि वहाँ पे जो कि है वो पूरा मोबाइल डीजे सेटअप करना था, तो उसके हिसाब से ही पूरा हर एक चीज़ पे काम करा गया है। बाकी यहाँ पे फ्रंट जो ग्रिल है, खैर ग्रिल का कोई मतलब बनता नहीं है लेकिन फिर भी ग्रिल लगाई गई है। और ये LDE 10 कैबिनेट होती है, एयर पास जो है वो नहीं होता, सिर्फ स्पीकर रख के इसको पूरा सील्ड कर दिया जाता है ताकि जो प्रेशर हो पूरा अच्छे से बने। और बाकी यहाँ पे ये तो चार बेसें हैं। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो इसके अंदर ATI प्रो का PD 1850 जो है स्पीकर यूज़ करा, काफ़ी फेमस स्पीकर है। और अगेन मैं जब भी LDE 10 देता हूँ तो यहाँ पे PD 1850 स्पीकर देता हूँ, 2000 वाट्स का यहाँ पे इसमें पावर साथ में आता है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8000 वाट ये हो जाती हैं बेस की पावरफुल। अगर हाँ आपसे भी कंपेयर करेंगे कि हम इसमें डबल की भी दे सकते थे, बट वहाँ पे डबल में, और अगर मैं चार सिंगल में बात करूँ तो चार सिंगल की जो बेस रहती है वो 22 रहती है, डबल की जो बेस रहती है वो 20 रहती है। तो इस दो नंबर का जो है वो डिफरेंस आता ही आता है, क्योंकि अगेन कैबिनेट का साइज, कैबिनेट की क्वालिटी डिफरेंस है, क्योंकि ये तो चीज़ जो है वो डबल में नहीं बन पाती है। काफ़ी कोशिश करी है मैंने, अलग बात है कि कंपनी बना के आपको दे, बट
अलग से अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ तो वो सिंगल में ही निकल के आता है। तो यहाँ पे ये बेस जो है हमने दे दिए हैं, ये टॉप हो जाते हैं। खैर ये तो सेक्शन था हमारा जो कि है चार टॉप चार बेस का, चार सिंगल बेस का। और इसके अलावा बात करें एम्पलीफायर की, तो मैं आपको एम्पलीफायर मिक्सर क्रॉसओवर वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम्पलीफायर की, तो टोटल 3 एम्पलीफायर दे रहे हैं, पूरा स्टेबल सिस्टम है, कहीं पर भी हमने यहाँ पे दो स्पेस को रन नहीं करा है। अगेन क्योंकि मोबाइल डीजे पे चल रहा है, जनरेटर का प्रॉब्लम एक तो यहाँ पे, फिर हीटिंग का प्रॉब्लम, तो उसको देखते हुए सारी चीज़ों पर काम करा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एम्पलीफायर में, हमने यहाँ पे SLV का 302, एक तो ये बजट एम्पलीफायर हो जाता है, दूसरा ये अभी तक मैंने भी अपनी तरफ से जितने भी एम्पलीफायर दिए हैं कोई भी लौट के या शिकायत लौट के ये नहीं आई है भैया एम्पलीफायर ख़राब हो गया, या कोई भी ऐसा मेरे को अभी तक मेरे कस्टमर, या फिर आप पिछले भी वीडियो में देख लेंगे तो वहाँ पे भी आपको कहीं पे भी एक भी कमेंट नहीं मिलेगा कि एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम आया। इसके अलावा ये दो एम्पलीफायर हो जाते हैं, एक एम्पलीफायर पर दो टॉप डल रहे हैं, ठीक है ना, दो टॉप इस पर, दो टॉप इस पर हो जाते हैं, 3002 है SLV का। इसके बात करूँ बेस की, तो बेस में आप सभी को मालूम है ज़ैफ़ल एप्स के बारे में मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडिया में फेमस है एम्पलीफायर बेस के मामले में। फिर चाहे इसका ZED मॉडल ले लीजिए, Z7 ले लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांडेबल रहता है। अगेन ये एम्पलीफायर के लिए भी भैया ने यहाँ पे बुकिंग अमाउंट डाला था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 21 इंची में Z8 के लिए जो है वो बुकिंग चलती है, तो ऐसे ही यहाँ पे Z7 की भी बुकिंग चलती है, तो बुकिंग पे आया एम्पलीफायर, तो यहाँ पे ये Z7 हो जाता है। इस पर सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि इसके अंदर भी आपको 4 स्पीकर्स मिल जाती है, तो ये यानी जो हमारी चार बेसें हैं ना, तो वो सिंगल 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 एक एक स्पीकर्स पे चले जाते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे पीछे आप देख लीजिए ये चार चार स्पीकर जो है वो दे रखे हैं, तो अलग अलग यहाँ पे डल जाता है, तो ऐसा कोई नहीं है पैच करने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं रखी है, तो सिंपल सीधा गया। इससे एक तो ये भी रहता है कि जो रेसिस्टेंस बनता है, या फिर कह लीजिए ओवर हीटिंग, यानी स्पीकर चुपक जाना, जल जाना, वो चीज़ शिकायत नहीं आती है, क्योंकि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चारों स्पीकर्स पे। अब अगर आप एक स्पीकर डाल रहे हैं बेस पे, फिर उससे उससे पैच करें, तो एक स्पीकर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा अगर आप RMS पावर में काम कर रहे हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा ये Z7 होता है, ये फ्लैट केस के साथ में ही आता है, बाकी यहाँ पे एम्पलीफायर होता है। अगर मैं क्रॉसओवर की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे क्रॉसओवर जो कि मुझे पर्सनली लगता है, या फिर मैं पर्सनली भी यूज़ करना चाहूँ या यूज़ करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये टर्बो ऑडियो का ही है, ये भी SLV का ही ब्रांड है, तो यहाँ पे ये यूज़ में लिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम क्रॉसओवर की जैसे मैंने बताया मैं चलाता हूँ, खैर 00 पे आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, -3 dB पे इनपुट रखेगा, आउटपुट को 0 dB पर रखेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कि गेन रहता है लो का, वो यहाँ पे मैं LD10 के साथ में यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, डबल है तो फिर यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं, बाकी हम यहाँ पे टॉप को डायरेक्टली चला रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिक्सर की, मिक्सर में SLV का अगेन यहाँ पे अगर मैं आउटपुट की बात करूँ दूसरे मिक्सर से कंपैरिजन का, इसका गेन लेवल अच्छा है, बाकी से ब्लूटूथ मिल जाता है, सारी चीज़ें सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो ये हो जाता है एक मिक्सर, तो ये है पूरा सामान। दो एम्पलीफायर है यहाँ पे, बेस का एक एम्पलीफायर हो जाता है, एक क्रॉसओवर, एक मिक्सर, और इसकी सारी वायर्स हैं। कनेक्शंस की बात करूँ तो दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो ये जो वायर है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ब्लू वाली वायर आ रही है, ये वायर आपकी यहाँ पे इनपुट हो रही है एम्पलीफायर पे, एम्पलीफायर से आउटपुट गया हमारे दूसरे एम्पलीफायर पे नीचे टॉप पे। अब जैसे कि मैंने बेस में बताया कि हम बेस पे सिर्फ यूज़ कर रहे हैं क्रॉसओवर, तो ये क्रॉसओवर जो कि है वो यहाँ पे देख लीजिए इनपुट हो रहा है, यानी हमने इस वाले एम्पलीफायर से आउटपुट लेके इसके अंदर डाला, और ये लो का आउटपुट लेके हमने यहाँ पे बेस में डाल दिया, यहाँ पे देख लीजिए ये। और हमेशा बेस जब भी आप चलाएं तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप मोनो पे चलाइए बेस, अगेन क्योंकि बेस जो रिकॉर्ड होती है वो यहाँ पे मोनो पे होती है, और ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। बाकी ओवरऑल चलिए अभी तो ये सारा सिस्टम हो जाता है, टेस्टिंग दिखाता हूँ, इसके स्पीकर्स की भी वायर आपको मैं दे रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। चलिए टेस्टिंग हम देख लेते हैं।
दोस्तों कैसे लेके टेस्टिंग हूँ, कैसे लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस सेटअप का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे जैसे कि बताया, चार सिंगल बेस हो जाती हैं, चार यहाँ पे टॉप हो जाते हैं 15 के। बेसिकली बेस में पहले कस्टमर 24 इंच सेलेक्ट कर रहे थे, अगेन यहाँ पे जनरेटर और यहाँ पे थोड़ा सा जो कि गाड़ी का साइज था वो थोड़ा सा मतलब हो रहा था, तो उसके चक्कर में यहाँ पे फिर 18 लिए। बाकी अगेन यहाँ पे कस्टमर ने 21 इंची के बारे में बात करी थी, तो अलग ही मज़ा आ जाता। बाकी यहाँ पे बात देखते हैं, ये चार बेस हो जाती हैं, ये चार टॉप हो जाते हैं, और हमारे भाई हैं वो देख लीजिए वहाँ पे। और कैसा लगा भैया रिस्पॉन्स, क्वालिटी कैसा लगा? क्वालिटी ठीक है, ठीक है। तो कस्टमर मैं अभी भी नहीं पूछूंगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब 2-3 सेटअप बजा लेना तो नीचे ये वीडियो रहेगा, उसके नीचे कमेंट जरूर डाल देना कैसा था, और अपना फ़ोन नंबर डाल देना ताकि पब्लिक को भी मालूम चले। और बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हो जाता है 2 SLV के एम्पलीफायर्स में दे देता हूं, एक Z7 है, ये चार टॉप चार बेस हो जाती है, मिक्सर क्रॉसओवर है। बाकी दोस्तों प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्राइस के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ कुछ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।